हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एचपीटेट जेपीटी / डीएलएड के नवंबर 2023 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, बैरन द्वीप पर। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा डी, नमामि देवी नर्मदे। 124, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब का लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आंग सान सूकी। 125, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया? सही आंसर रहेगा डी, 10 दिसंबर 1948 को। तभी 10 दिसंबर को जो है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पेपरों में डेज वाले क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1973 में। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसकी डेट क्या थी। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? सही आंसर रहेगा इसके लिए, नर्मदा नदी पे है ये, ऑप्शन सी। कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? तो ये थे 1971 में जब चुनाव हुए थे, उस टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो लोकसभा चुनाव होते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा उनके लिए ऑप्शन बी, अक्टूबर 1951 से लेकर के 1952 तक। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर रहेगा जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आप सभी को ही इसका आंसर पता होगा, तो आपके लिए काम रहेगा, आपने कमेंट करके बताना है कि यह नारा किसका था, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना चाहिए, तो ये आपके लिए काम रहेगा। नेक्स्ट है कि जब भारतीय संविधान बना उसमें मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 21 वर्ष। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अब इसकी सीमा जो है वो है 18 वर्ष। तो लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, उसके लिए फिर संशोधन हुआ था 61 संशोधन। 61 संशोधन जब हुआ था 1989 में, उसके द्वारा जो है इस एज को फिर घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये आपने याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि सबसे पहली बार जब संविधान बना था तो उस टाइम पे आयु क्या थी, तो उस टाइम पे आयु जो रखी गई थी वो रखी दी गई थी 21 वर्ष, परंतु फिर उसके बाद जब आपको पता है बहुत से संशोधन हुए हैं, तो उस संशोधन में से एक 61वां संविधान संशोधन था जो कि 1989 में हुआ था, उसके द्वारा जो है वो एज घटाकर फिर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये डेट्स भी आपने याद रखनी है, और कौन सा संशोधन था ये भी याद रखना, कब हुआ था ये भी याद रखना, और कितनी हुई थी तो वो हो गई थी फिर 18। जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है उस टाइम पे क्या थी जब बना था, तो उस टाइम पे 21 वर्ष जो है वो रखी गई थी। 133, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? सही आंसर रहेगा परिक्रमण, ऑप्शन बी। टुकान क्या है? सही आंसर रहेगा ये एक पक्षी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 135, वुड्स डिस्पैच या वुड का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा, ऑप्शन बी।
136 कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो कई बार मैंने आपको पुराने पेपर में बताया हुआ है कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती हैं, ठीक है। वो 8 राज्य भी आपको बताए हुए हैं, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है। यहाँ से जो ऑप्शन मैन दिया गया है कि नहीं जाती है, तो वो नहीं जाती है उत्तर प्रदेश से। सही आंसर रहेगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत के 8 राज्य वो कौन कौन से हैं जहाँ से होकर के जाती है। तो बीचों बीच के, वैसे तो ये राज्य ऐसे ही याद होते हैं, ऐसे याद ना हो तो मैप देखते रहना, मैप बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ठीक है। तो बीचों बीच से जो जो राज्य होंगे उनका आप वैसे याद कर लेना, वैसे मैंने आपको कई बार ये बताए हुए हैं। निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? तो वैसी है ओजोन, ऑप्शन सी। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम क्या है? तो सबसे भीतरी पूछी गई है वो होती है क्रोड, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरे विश्व का पूछा गया है, तो वो रहेगा ऑप्शन ए, सहारा। नेक्स्ट है, सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है? तो सबसे निकट जो सूर्य के है वो है बुध ग्रह, ऑप्शन सी सही रहेगा। ये ग्रह वाला टॉपिक भी आपने जरूर टैट के लिए अपने पढ़ लेना है, क्योंकि टैट में इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा ही गया है। 141 क्वेश्चन है, छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे जो दिए गए हैं वो रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। 142 लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए सही आंसर रहेगा केल्विनाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 143, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र रहेगा, अगर आपको देखने में कोई कमी हो यहाँ पे, नहीं अच्छे से दिख रहा हो तो मैं अलग भी रख रही हूँ, Fe2O3 ये लिखा गया है यहाँ पे, Fe2O3। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंगभेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वह सफलता पाई? सही आंसर रहेगा इसके लिए नेल्सन मंडेला, 10th क्लास में काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसके ऊपर कि क्या क्या हुआ था इसके बारे में, रंगभेद के बारे में, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जी के बारे में जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम बताओ? तो सही आंसर रहेगा इसके लिए खटपर्णी, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो एग्जामिनर कई बार बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन डाल देता है, सही आंसर रहेगा सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा पूछा जाता तो वो होना था एशिया महाद्वीप, यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है तो छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन है कि यांगत्ज़ी नदी किस नदी देश में बहती है? तो सही आंसर रहेगा, ये जो यांगत्ज़ी नदी है ये बहती है, ऑप्शन डी सही रहेगा, चीन में। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? सही आंसर रहेगा 2006 में, ऑप्शन सी 2006। नेक्स्ट है, इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, ये आपने याद रखना है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।